ध्यान दो, अभी लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, बैलेंस शीट में दोनों एंट्री किया था, स्टॉक भी दिखाया था और उसके पहले क्या किया था, बैलेंस शीट का एंट्री किया था। अभी आज देखते हैं कि वैट के बारे में मतलब क्या है। वैट मतलब जैसे रहता है ना परचेस सेल के ऊपर वैट लगाते हैं, तो वैट का मतलब क्या है और वो उसके लेजर रहते हैं अलग अलग, मतलब परचेस के टाइम वैट के लिए कौन सा लेजर बनाओगे, सेल के टाइम कौन सा लेजर बनाओगे, वो अलग अलग लेजर बनाएंगे आज हम। तो पहले देखते हैं वैट का मतलब क्या है। तो देखो फिलहाल मैं आपको इस पर एक्सप्लेन करता हूँ, पहला क्या करेंगे आप वैट लेजर है ना, और आज का टॉपिक का नाम क्या है हमारा, वैट। वैट का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये टैक्स अप्लाई कैसे करते हो देखने का, सपोज आप कुछ प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है 100 रुपीज़ है ना, उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है 100 रुपीज़ है, और आप किधर से परचेस करते हो, सप्लायर के पास से परचेस करते हो, समझ रहे ना, किधर से परचेस करते हो, या तो सप्लायर बोलेंगे या फिर होलसेलर बोलेंगे हम उसको। तो जब हम उसको सप्लायर के पास से परचेस करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट्स है उसका प्राइस है 100 रुपीज़, तो सप्लायर आपको 100 रुपीज़ में नहीं देगा और एक्स्ट्रा ऊपर उसके कुछ चार्ज लगाएगा, समझे ना। अभी हम क्या करें, परचेस करें ना, तो जो चार्ज लगाएगा उसको क्या बोलते हैं, इनपुट वैट। कितना लगाया सपोज 10% लगा दिया है ना, और किसके ऊपर 10% आएगा, 100 के ऊपर 10%, मतलब कितना होता है 10 रुपये हो जाएगा वो, समझ रहे इतना तक। जब हम परचेस करेंगे कुछ प्रोडक्ट तो हम क्या, सप्लायर क्या करेगा, कुछ चार्ज लगाएगा वो उसके ऊपर, कितना परसेंट लगाया सपोज इनपुट वैट उसने 10%, तो 100 के ऊपर कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। मतलब अभी हम अगर हमें उस प्रोडक्ट को परचेस करने का है तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा सप्लायर को, पहले तो 100 रुपीज़ तो देना पड़ेगा, प्लस क्या देना पड़ेगा, 10 रुपये क्या है वो टैक्स है ना, बराबर। मतलब टोटल कितना हो गया 110 रुपया, बराबर। अभी इसमें से 100 रुपीज़ किसका है, सप्लायर का है, लेकिन जो 10 रुपये है वो हमने किसको दिया है, सप्लायर को दिया है, लेकिन ये सप्लायर खुद के पास रखेगा क्या, नहीं रखेगा क्या, क्योंकि वो टैक्स है, तो सप्लायर ये पैसा किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। सप्लायर यही पैसा किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। इसका मतलब क्या है कि हमने गवर्नमेंट को 10 रुपये टैक्स पेड कर दिया, बराबर। हमने सप्लायर को दिया और सप्लायर यही पैसा किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा, समझ रहे इतना तक। अभी ये नीचे का देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने परचेस किया, कितने में परचेस किया, 110 रुपये में परचेस किया। इसका मतलब ये हमारे प्रोडक्ट हमारे दुकान में कितने में आ गया, 110 रुपये में आ गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे, कस्टमर को सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे, कस्टमर को सेल करेंगे। अभी हमने परचेस कितने में किया था, 110, तो हम सेल कितने में करेंगे, उसके ज़्यादा अमाउंट में हम सेल करेंगे, बराबर ना। हम सेल कितने अमाउंट में करेंगे, उससे ज़्यादा अमाउंट में सेल करेंगे। तो जब सेल करेंगे तो कितने में सेल किया, सपोज 150 में सेल किया, किस में सेल किया, 150 में सेल किया। तो अभी देखो जब हमने परचेस किया था तो हमने क्या किया था, 10% हमने दिया था ना, हमने किसको दिया था, सप्लायर को दिया था। तो अभी हमने क्या करे, कस्टमर को सेल कर रहे, तो हम क्या करेंगे, उसके पास से 10% कलेक्ट करने का है, जो हमने 10% दिया था सप्लायर को, वही 10% कलेक्ट करने का। तो उसका नाम क्या आएगा, आउटपुट वैट। कितना परसेंट आता है, 10%। अभी 10% के हिसाब से कितना रुपये हो जाएगा, कितना रुपये हो जाएगा, 15 रुपया। 15 कैसे आया समझ में, देखो 100 के ऊपर कितना होता है, 10 रुपये होता है ना, और 50 के ऊपर और 5, मतलब ऐसे 15 रुपये हो गया। तो ये प्रोडक्ट जब हम सेल करेंगे तो कितने में सेल करेंगे, 150 प्लस 15 कितने में आएगा, फिर 165 में सेल करेंगे, समझ रहे इतना तक। हमने परचेस कितने में किया था, 110 रुपये में परचेस किया था, लेकिन सेल कितने में किया, 165 में सेल किया, बराबर है। अभी इसमें से टैक्स देखते हैं कि हमने सप्लायर को कितना रुपये दिया था, 15 रुपये, सॉरी हमने कस्टमर से कितना रुपये लिया है, 15 रुपये लिया है, लेकिन गवर्नमेंट को कितना दिया है, 10 रुपये दिया है। तो टैक्स पे करना बाकी है ना गवर्नमेंट को, कितना बाकी है, वो 5 रुपये, उसको क्या बोलते हैं, वैट पेएबल। क्या बोलते हैं उसको, ही वैट पेएबल, बराबर। मतलब जो भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल हम पे करना नहीं जा रहे, सिर्फ ध्यान रखो कैसे पे करते हो, समझेगा इतना, कैसे करते हैं वैट का एंट्री। देखो हम याद रखो वापस से, जब हम परचेस करेंगे तो सप्लायर को क्या देंगे,
एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं, उसका नाम क्या रहता है, इनपुट वैट है। और बोले तो ये प्रोडक्ट हमारे दुकान में कितने में आ गया, 110 रुपये में आ गया। अभी हम सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे, कस्टमर को सेल करेंगे। कितने में सेल किया, 150 में सेल किया सपोज, तो सेल के टाइम क्या रहेगा, आउटपुट वैट आएगा, जो भी 10% दिया था वही 10% क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। बराबर है, समझ रहे। तो अभी जो हमने गवर्नमेंट, हमने सप्लायर को कितना रुपए, कस्टमर से कितना रुपए लिया था, 15 रुपये, और गवर्नमेंट को कितना दिया है, 10 रुपया, तो 5 रुपये वैट देना बाकी है, वो सब बाद में करने का। लेकिन अभी फिलहाल क्या याद रखो आप, कि वैट अप्लाई कैसे करते, कि परचेस के ऊपर कौन सा वैट लगाते हैं, इनपुट वैट, और सेल के ऊपर कौन सा लगाएंगे, आउटपुट वैट। अभी हमने इधर कितना परसेंट कंसिडर किया, 10%, लेकिन वैट 10% नहीं रहता है, उसके अलग अलग परसेंटेज रहते हैं, मतलब कैटेगरी रहता है। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा 1%, कुछ के ऊपर 4%, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी रहते हैं, समझे ना। 1%, 4%, 12.5। तो अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है आज, जैसे लिखा ना 486, 386, उसके ऊपर वैट कितना लेने वाले हम, 12.5%। मतलब हमारा जो भी कुछ कैलकुलेशन रहेगा हम 12.5% के हिसाब से करेंगे। बोले 4% रहेगा तो आप 4% लगा सकते हो, तरीका सेम रहेगा सबका। आया समझ में इतना तक। तो अभी हम क्या करेंगे, वैट का देखा ना, अभी इसके लिए वैट की लेजर बनाना पड़ेगा, समझे ना। वैट देखने के बाद क्या करोगे, वैट के कुछ लेजर रहते, वो देखते हैं वैट लेजर कैसे रहेगी। क्या लिखा मैंने इधर, वैट लेजर है ना। तो जैसे हमने लेजर किया था ना शेयर कैपिटल वगैरह, ऐसे ये भी लेजर करने का है। लेकिन उसके लिए पहला क्या करोगे, एक्टिवेट वैट, क्या करना पड़ेगा, पहला वैट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे एक्टिवेट करते हैं, अभी मालूम है आपको, कुछ भी फीचर अगर ऑन करना रहेगा तो प्रेस क्या करते हो, F11, और बाद में क्या करोगे, F3। F3 किसके लिए, टेरिटरी एंड टैक्सेशन। बोला अगर वैट ऑन करना रहेगा, कुछ भी वैट टैक्स ऑन करना रहेगा ना, तो ये बटन दबाने का, F11 और F3। इसमें आके कौन सा ऑप्शन ऑन करोगे, इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स को क्या करोगे, यस करोगे, समझ रहे ना। इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स को यस करोगे, और लास्ट में क्या लिखा है, सेट अल्टर वैट डिटेल, इसको भी क्या करोगे, यस करोगे, समझ रहे। इनेबल वैट यस करोगे, और सेट अल्टर वैट डिटेल उसको भी क्या करोगे, यस करोगे, और बाद में क्या करने का, सिर्फ सेव करने का, समझ रहे। वो अपने आप आता जाएगा एक एक एंट्री, सिर्फ ये दो ऑप्शन ऑन करने का। कौन सा देखो, ऐसे एक्टिवेट करोगे F11 F3 है ना, बाद में इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स को यस करो, और सेट अल्टर वैट डिटेल को यस करने का, बाद में सेव करने का है। बाद में अभी लेजर बना दे, क्रिएट लेजर, लेजर मालूम है ना कितने से बनाते हैं आपको, अभी हो गया आपका याद सब, अकाउंट इन्फो, बाद में किसने आने का है, लेजर, और लास्ट में क्या रहता है, क्रिएट। अभी लेजर में आने के बाद पहला क्या रहता है, नेम लिखा रहता है, तो नेम में आपके एक एक नाम लिखते जाने का है, समझे ना। जो भी रहेगा ना नेम में, पहला क्या लिखा, लिखा नेम, नेम में क्या लिखा सपोज, सॉरी, अभी पहला लेजर हम कौन सा बनाएंगे, परचेस के लिए, कौन सा बना दिया, परचेस अकाउंट। तो जब भी परचेस अकाउंट बनाओगे तो उसका कुछ ग्रुप आता है, मतलब अंडर बोलते हैं ना, अंडर मतलब ग्रुप रहता है, तो परचेस का ग्रुप क्या आता है, हमेशा परचेस अकाउंट ही रहता है। बाद में क्या पूछता है वो, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड क्या आएगा, यस आएगा, समझ रहे ना। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड क्या आएगा, यस आएगा। स्टॉक अफेक्ट कर रहा है क्या, तो यस आएगा। क्यों अफेक्ट करेगा, क्योंकि अभी हम परचेस करोगे तो हमारे पास का स्टॉक बढ़ जाएगा, और सेल करोगे तो स्टॉक कम हो जाएगा। तो जब स्टॉक कम ज़्यादा होने वाला है उस टाइम क्या करोगे, इन्वेंट्री यस रखने का, सिर्फ मतलब परचेस और सेल के ऊपर इन्वेंट्री यस आएगी। बाद में क्या पूछेगा वो,
यूज इन वैट, यूज इन वैट क्या आएगा, वैट लगाने का है क्या, लगाने का तो यस आएगा। अगर वैट लगाने का है तो पूछेगा क्लास कौन सा है, वैट टैक्स क्लास, क्या आएगा वैट टैक्स क्लास, है ना, वैट टैक्स क्लास कौन सा आएगा, परचेस एट द रेट 12.5%, कितना आएगा, अभी हम परचेस कर रहे हैं ना, इसलिए नाम क्या आएगा उसका, परचेस एट द रेट 12.5%। समझ रहे कैसे बनाया पहला लेजर, बोल रहे नाम आएगा परचेस अकाउंट, उसका ग्रुप आता है परचेस अकाउंट, इन्वेंट्री यस आएगी, है ना, यूज इन वैट भी यस आएगा, और बाद में क्लास पूछेगा तो क्या आएगा 12.5, तो परचेस 12.5%। समझ रहे, अभी ऐसे ही लेजर रहेगा, पहला परचेस का बना दिया, दूसरा कौन सा आएगा, परचेस की जगह क्या आएगा, सिर्फ परचेस रिटर्न आएगा, नाम क्या रहेगा उसका, समझ रहे, दूसरा लेजर का नाम क्या रहेगा, परचेस रिटर्न, इसका भी ग्रुप आई आएगा परचेस अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू द्वारा अफेक्टेड यस आएगा, वैट लगाने का तो यस, फिलहाल आप समझ लो, मैं बाद में दिखाता हूँ कैसे करने का, ये है ना, वैट लगाने का यस आएगा और क्लास वही आएगा परचेस 12.5%। तीसरा लेजर कौन सा आएगा, परचेस और रिटर्न बोलते हैं उसको, परचेस और रिटर्न, ये जब हम एंट्री करेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली मतलब पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है, उसमें क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यू दर अफेक्टेड यस रहेगा, सिर्फ वैट क्या रहता है, नो रहता है उसके ऊपर, जब वैट नो रहेगा तो वो क्लास पूछेगा ही नहीं कि क्लास क्या है उसका, समझ रहे। और चौथा लेजर कौन सा रहेगा, परचेस लेजर की जगह क्या रहेगा, इनपुट वैट, है ना, इनपुट वैट की जगह क्या आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, है ना, उसका ग्रुप जो भी रहेगा ना, टैक्स इनपुट बोले आउटपुट बोले टैक्स बोले तो इसका ग्रुप वही आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। बाद में क्या पूछता है वो, बाद में क्या आएगा, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, क्या आएगा, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, अभी टाइप कौन सा आएगा हमारा, वैट है तो हम क्या लेंगे, वैट लेने का है ना, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या आएगा, वैट। बाद में क्या आएगा, वैट टैक्स क्लास क्या आएगा, अभी ऊपर इनपुट लिखा तो इधर क्या आएगा, इनपुट एट द रेट 12.5%, समझ रहे क्या आएगा, इनपुट एट द रेट 12.5%, समझ रहे, ये फिलहाल आप लिख के रखो एक एक, बाद में मैं दिखाता हूँ कैसे बनाने का है। अभी जैसे ये परचेस के लिए देखो कौन सा चार लेजर बना दिया हमने, पहला लेजर कौन सा रहता है, परचेस अकाउंट, दूसरा कौन सा रहता है, परचेस रिटर्न, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसका ग्रुप अलग है सिर्फ, सॉरी नाम अलग है, परचेस की जगह क्या लिखा है, परचेस रिटर्न लिखा है, तीसरा लेजर कौन सा है, परचेस और रिटर्न, और चौथा कौन सा है, इनपुट वैट, आया ऐसे ही सेम आएगा। अभी अभी पांचवा लेजर कौन सा आएगा, परचेस का हो गया, वैसे ही सेल के लिए आएगा, पांचवा लेजर क्या नाम आएगा इधर, सेल्स अकाउंट, है ना, उसका ग्रुप क्या आता है, जब परचेस का ग्रुप परचेस था तो सेल का ग्रुप क्या आएगा, सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस आएगा कि नो आएगा, अभी देखो इन्वेंट्री मतलब कभी यस करने का है, जब स्टॉक या तो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे, तो सेल करोगे तो स्टॉक कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा, तो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक अफेक्ट करने वाला है क्या, तो यस आएगा। बाद में क्या पूछता है कि क्लास वैट लगाने का है क्या, तो अगर परचेस के ऊपर वैट लगाया है तो सेल के ऊपर भी वैट यस आएगा, और क्लास कौन सा आएगा, हम इसे सेल्स 12.5%, कौन सा आएगा, सेल्स 12.5%, समझ रहे इतना। अभी जैसे सेल के लिए बनाया था पहला लेजर, वैसे दूसरा कौन सा आएगा, सेल्स रिटर्न, क्या आएगा दूसरा, सेल्स रिटर्न आएगा, समझ रहे इतना, बाकी सब सेम रहेगा। तीसरा कौन सा आता है, जैसे सेल्स परचेस और रिटर्न था वैसे क्या आएगा, सेल्स और रिटर्न आएगा, कौन सा आएगा, सेल्स और रिटर्न है। और चौथा लेजर कौन सा आएगा, इनपुट की जगह क्या आएगा, सॉरी चौथा लेजर कौन सा आएगा, देखो चौथा इनपुट बैठता ना, तो इनपुट की जगह क्या आएगा, इधर से सेम वैसा ही आएगा,
और क्या नाम लिखा रहेगा, सिर्फ इनपुट की जगह आउटपुट वैट, समझ रहे, इनपुट वैट की जगह क्या आएगा, सिर्फ आउटपुट, आउटपुट वैट ग्रुप वही आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटीज यही आएगा, और क्लास इनपुट की जगह क्या रहेगा, सिर्फ आउटपुट वैट एट द रेट 12.5%, समझ रहे इतना। ऐसे आपको आठ लेजर बनाने का, परचेस के लिए चार और सेल के लिए चार लेजर। तो अभी हम पहले से देखते हैं, आप लिखने के बाद आपको पता चलेगा। अभी हम एक एक स्टार्ट करते हैं इधर से। ये तो वैट का कंसेप्ट है, कैसे वैट रहते हैं, तो चालू किधर से करने का, इधर से करने का, वैट लेजर से, है ना। पहला क्या लिखा है, एक्टिवेट वैट। अभी वैट कैसे एक्टिवेट करोगे, देखो वैट एक्टिवेट करने के लिए किस में आने का है, F11, है ना। बाद में क्या बोला है, F11 के बाद क्या बोला है, F3, या फिर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, है ना। इधर देखो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन आ रहा है, इधर F11 के बाद F3 बटन दबा दिया, देखो इधर F11 इसमें जाने का, टैक्सेशन में जाने का। और कौन सा ऑप्शन ऑन करोगे, ये तो ऑप्शन ऑन करने का, इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स को यस करोगे, है ना, और सेट अल्टर वैट डिटेल को भी यस करोगे, समझ रहे। देखो यही दो लिखा है ना इधर, इनेबल वैट यस और सेट अल्टर वैट डिटेल। और बाद में क्या बोला है, सेव करने का मतलब क्या कि इंटर इंटर करके सेव करो सिर्फ, बाद में कुछ भी चेंजेस मत कर दो, है इधर से इंटर करके सेव करो, आ रहा है इधर एक्सेप्ट, है ना। पूछता है कि ये जो आपने वैट ऑन किया उसको सेव करने का है क्या, तो सेव करना रहेगा तो इंटर करते, इधर से हो गया इंटर, है समझ में। बाद में एस्केप करके बाहर आ गए, समझ रहे, वैट कैसे ऑन किया था, बोलो ना। इतना तक स्टेप हो गया हमारा, F11 देखो वापस, F11 बाद में किधर जाने का, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, और उसमें कौन सा ऑप्शन ऑन किया था, ये दोनों ऑप्शन यस किया था, बाद में वो नो होता है, लेकिन आप याद रखो सिर्फ यस करके सेव करने का। ओके अभी लेजर बनाते हैं, एक लेजर किधर से बनाओगे, अकाउंट्स इनको लेजर क्रिएट, अरे नाम लिखने का है कि कौन सा लेजर है, है ना। पहला लेजर में क्या आएगा, नेम, नेम में क्या आएगा, परचेस अकाउंट, जैसे दिया ना इधर वही देख के करते जाने का। एक आप ये नोटबुक ओपन करके रखो सामने, है नेम में क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट, है देखो अभी तक इधर कुछ वैट वगैरह पूछता नहीं, क्यों नहीं पूछता है, क्योंकि हमने उसका ग्रुप नहीं सिलेक्ट किया है, तो उसका ग्रुप कौन सा आएगा, परचेस अकाउंट। जैसे परचेस अकाउंट लेंगे तो पूछेगा उसका इन्वेंट्री वगैरह, देखो पूछता है इधर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड क्या आएगा, यस आएगा, समझ रहे, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड क्या आएगा, यस, है ना। बाकी सब नो रखने का, यूज इन वैट, वैट लगाने का ही क्या, लगाने का तो यस करो, लगाने का तो वैट टैक्स क्लास पूछता है ना, तो क्लास क्या लोगे आप, इधर 12 लिखो तो डायरेक्टली आ जाएगा इधर से 12.5%। परचेस है तो क्या आएगा, परचेस 12.5, या ये दूसरा वाला लेने का नहीं, इधर से लिखा इधर परचेस 12.5%, बाकी सब नो रख दो। ये हो गया पहला लेजर, करोगे ऐसा आठ लेजर एक एक देख के। दूसरा कौन सा आएगा, परचेस रिटर्न, उसका ग्रुप वही आएगा, परचेस अकाउंट, इन्वेंट्री भी यस आएगी, वैट लगाने का क्या, यस, और क्लास कौन सा आएगा, वही आएगा 12.5%। अभी मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, आप देख के रखो सिर्फ। तीसरा कौन सा करोगे, परचेस और रिटर्न, उसका ग्रुप कौन सा आता है, परचेस अकाउंट, इन्वेंट्री यस आएगी, वैट है क्या इसके ऊपर, नो आएगा वैट। और चौथा लेजर कौन सा आता है, इनपुट वैट, अभी ये क्या है, टैक्स है ना, तो उसका ग्रुप क्या आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कोई भी टैक्स रहेगा ना, इनपुट वैट आउटपुट वैट, तो उसका ग्रुप वही आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप क्या आएगा, वैट, है ना। इधर इनपुट है तो इनपुट लेने का, और क्लास कौन सा आएगा, 12.5, तो क्या आएगा, जैसे इनपुट 12.5%, है। ये हो गया चार लेजर, वैसा ही कौन सा आएगा, सेल्स अकाउंट, अभी सेल का ग्रुप कौन सा आता है, सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री क्या आएगी, यस, वैट क्या आएगा, यस आएगा, क्लास कौन सा आएगा, 12.5 आएगा, लेकिन क्या आएगा, सेल्स 12.5%, है। दूसरा कौन सा आएगा, सेल्स रिटर्न, उसका ग्रुप आता है सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री यस, वैट भी यस आएगा इधर,
और क्लास कौन सा आएगा, वही आएगा सेल्स 12.5%। और कौन सा आएगा, सेल्स और रिटर्न, उसका ग्रुप आता है सेल्स अकाउंट इन्वेंट्री। यस क्लास को जाएगा क्या इधर, नहीं आएगा ना, वैट नहीं आएगा। और लास्ट में क्या आता है, जैसे इनपुट बनाया था वैसे क्या आएगा, आउटपुट वैट, उसका ग्रुप क्या आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप क्या आएगा, वैट आएगा। क्लास कौन सा आएगा, आउटपुट वैट, बराबर है। क्लास कौन सा आएगा, 12.5 देने का, जैसे आउटपुट 12.5% दिख रहा है इधर, समझ रहे। हमने क्या कर दिया, फिलहाल 8 लेजर बना के रखा है, ये मैंने सिंपल भी बताया आपको, समझ रहे। 8 लेजर क्या करोगे, पहले बना के रखो, क्योंकि इसको बाद में हमें एंट्री करते समय ज़रूरत लगने वाली है। ये जो लेजर है ना, वो मैं बाद में एंट्री करते हमें ज़रूरत आएगी, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको पहले से ही बना के रखा है, समझ रहे इतना। बोलो ज़रा क्या क्या था सबसे स्टार्टिंग में, पहले क्या करोगे, वैट तो समझने के लिए आपको दिया मैंने, बाद में जैसे वैट एक्टिवेट करने का और ये देख के 8 लेजर बना के रखने का आपको, ये लेजर आपको पूरा याद होना चाहिए, किसके लेजर का ग्रुप क्या है, किधर इन्वेंट्री यस रखने का है समझ में। तो आप बाद में ये लिख के रखो पहला, और बाद में एक एक देख के बनाते जाने का है। ये फाइल में देता हूँ आपके फाइल, मतलब इस फोल्डर के अंदर ये फाइल भी रहेगा आपको वैट लेजर के नाम से, है समझ में। करोगे इतना, बराबर। अभी वो लेजर देखना रहेगा तो किसमें जाओगे, अकाउंट्स इन्फो, बाद में किसमें जाएंगे लेजर, बाद में किसमें जाएंगे क्रिए, अल्टर में जाने का है, या फिर डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं। देखो आ रहा है इधर इनपुट वैट आउटपुट वैट, है समझ में। करोगे इतना, बराबर है। फिलहाल हमारा 3 चीज़ हो गया बनाएंगे, क्या क्या हो गया देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट बना दिया, उसके बाद स्टॉक हो गया, और थर्ड वाला क्या कर दिया हमने, 8 लेजर बना दिया उसके अंदर, आया। बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि परचेस और सेल कैसे करते, इसलिए हमें वैट की लेजर की ज़रूरत आएगी, है इतना। करोगे इतना, करो इतना।